अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वरक दोस्तों मैं आपको आज बताने हूं, वाला वाला हूँ ऑटो ट्रांसफार्मर पावर वायरिंग के बारे में तो मैंने ये एक डायग्राम बना के रखा हुआ है क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो जल्दी जल्दी समझ लें मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एम सी बी है ठीक है एम सी सी बी मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर तो ये इसका सिंबल है लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री यहाँ से मेरा एम जैसे ही ये ऑन करूँगा मेरा पावर यहाँ से आ जाएगा ठीक है तो यहाँ से आके मेरा पावर जो मेरा वोल्टेज है करंट है जो यहाँ आके रुक जाएगा ये कॉन्टेक्टर है ये भी नॉर्मली ओपन स्थिति में है ठीक है तो ये कॉन्टेक्टर थ्री दिया है मैंने इसको नाम जो ये एक मेन कॉन्टेक्टर है ठीक है और दूसरा ये इधर से ही मैंने देखे लूप ले लिया है कॉन्ट्रेक्टर से मेन कॉन्ट्रेक्टर से पहले ही ठीक है और ये मैंने ट्रांसफार्मर का कॉन्ट्रेक्टर जिसका नाम रखा है के टू ठीक है तो ये ट्रांसफार्मर का कॉन्ट्रेक्टर है जो अभी नॉर्मली ओपन है ठीक है तो यहाँ तक ये पावर आ रुक गया यहाँ तक आया यहाँ तक आया इधर ये मेन में, में इधर इधर रुका हुआ है क्योंकि इधर अभी रास्ता नहीं है जाने के ये कॉन्ट्रेक्टर सभी बंद है अब बीच में ये एक ट्रांसफार्मर के कॉन्टेक्टर के जस्ट बाद में ये मैंने हमने ऑटो ट्रांसफार्मर लगा दिया ठीक है ये ऑटो ट्रांसफार्मर है और ऑटो ट्रांसफार्मर में यहां से हमने देखे बीच में से ये टेप लेके लाइन टू का लाइन टू में दे दिया लाइन वन का देखें ये लाइन वन में दे दिया और लाइन थ्री का ये देखें ये लाइन थ्री में दे दिया तो इस तरह से हमने कनेक्शन कर दिया ठीक है तो अभी पावर हमारा कहाँ तक है यहाँ तक है एमसीबी चालू होने के बाद इधर मेन में, में यहाँ आके रुका हुआ है ट्रांसफार्मर में अभी पावर नहीं आया है और ये नीचे ट्रांसफार्मर का जो एक सिरा है उसमें तो हमने इस कॉन्ट्रेक्टर से पावर दे दिया और जो दूसरे इसको, इसकी ये कोयल है उसके दूसरे सिरे हैं कोयल के वो हमने ये इस कॉन्ट्रेक्टर का एक दो तीन ये देखें ये कॉन्ट्रेक्टर ये भी अभी ओपन है ये है स्टार ये कॉन्टेक्टर हम यूज किस लिए करते हैं सिर्फ हमारे इस ट्रांसफार्मर को जैसे ही ये मतलब इधर पावर आए उससे पहले पहले हमारा ये ट्रांसफार्मर है ना जो इस तरह से हम इसमें वायर कनेक्ट करके रखते हैं आपस में जो एक वायर इसको ऐसे शॉर्ट करके रखते हैं तो हमारे ट्रांसफार्मर को स्टार में कनेक्ट करना होता है इसका रीजन तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कंट्रोल वायरिंग से जब हमारा पावर यहां आया हुआ है सबसे पहला काम हमारा क्या होगा इस स्टार को ऑन करवा देंगे क्योंकि ट्रांसफार्मर ऑन होने से पहले ये स्टार एनसी होना जरूरी है तो हम इसको सबसे पहले ऑन कराएंगे तो ये एनसी हो जाएगा ठीक है ये एनसी हो जाएगा तो जैसे ये एनसी हो जाएगा तुरंत हम इसी के एनओ से इस कॉन्टेक्टर को ऑन करा देंगे जो ट्रांसफार्मर का है ठीक है तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का हमने ऑन करवा दिया ठीक है ये ऑन होते ही हमारा ट्रांसफार्मर क्या हुआ हमारे ट्रांसफार्मर से पावर है दिया हुआ हमारा लाइन तो हमारे इन वायरों से होते हुए जो ये बीच में से दिया हुआ है ये इधर चला गया ये यहां से इधर चला गया ये यहां से इधर आ गया ठीक है तीसरे कोल से यह हमारा ओवरलोड रिले है ठीक है क्योंकि अगर ज़्यादा करंट लिया तो ये ट्रिप भी करवाना चाहिए इसलिए हम ओवरलोड रिले यूज़ करते हैं मोटर से पहले तो अब यह हमारा वायर ट्रांसफार्मर से जब ऑन है स्टार ऑन है ये ट्रांसफार्मर हमारा ऑन है और इसका यह सेंटर से हमने टेप लिया है सेंटर से मान लो हमारा यहाँ पर 250 या 250 वोल्ट है मान लो तो हम शुरू में मोटर को जब लोड में हमारी मोटर होती है तब उसको स्टार्ट करते वक्त वो इंड्रस्ट करंट उसका बहुत ज्यादा होता है हाई करंट होता है और उसको ताकत चाहिए होती है ऑन होने के लिए तो हम एकदम ज्यादा वोल्टेज दे देंगे तो उसको क्या एम ज्यादा लेगी और हमारी मोटर जल जाएगी इसलिए हम कम वोल्टेज देते हैं ताकि एम कम ले और टॉर्क की यानी ताकत ज्यादा करे तो इस हिसाब से जब ये हमारे ये ऑन है अभी ऑन है तो स्टार को ऑन कराया स्टार इस से इसको ट्रांसफार्मर का कॉन्टेक्टर को ऑन करवाया और हमारा एम सी बी ऑन था पावर यहां से होते हुए ओवरलोड से निकलते हुए हमारी मोटर के U1 V1 और W1 पे मिला और हमारी मोटर रन करने लगी 250 वोल्ट के साथ ठीक है तो अब जब हमारी मोटर रन करने लगी कुछ सेकंड मान लो हमने 10 सेकंड चलानी थी इसको 10 सेकंड टाइमर को दिया हुआ था 10 सेकंड के बाद हमारा टाइमर क्या करेगा हमारा उसका कॉन्टेक्ट जो ऑन डीले टाइमर लगा हुआ होगा वो एन था जो इस स्टार को ऑन किया हुआ था वो एन से एन हो जाएगा और एनओ से हमारा ये मेन कॉन्टेक्टर पिकअप करवाया हुआ था जैसे ये इसका एन सी हो जाएगा तो स्टार बंद हो जाएगा स्टार बंद होएगा तो ये भी बंद हो जाएगा तो अब हमारा यहाँ से पावर यहीं आके रुक जाएगा इधर नहीं आएगा और हमारा जो टाइमर का जो एनओ पॉइंट था वो एन हो गया तो फिर ये बंद हो गया और ये कॉन्टेक्टर लग जाएगा अब तो ये कॉन्टेक्टर लगेगा तो क्या होगा हमारी मोटर दस सेकंड तक ऐसे चली हुई थी थोड़ी अस्सी परसेंट स्पीड पे मान लो आ गई थी उस टाइम वो तो अस्सी परसेंट स्पीड के बाद क्या हुआ हम डायरेक्ट इधर से इस कॉन्ट्रेक्टर से होते हुए सीधा एम सी बी से होते हुए इधर से ओवरलोड से होते हुए हमारी U1 V1 और W1 पे मोटर पर आ जाएगा और मोटर हमारी डायरेक्ट रन ड्यूल स्टार्टर के तरह सेम सेम करने पड़ेगी और इस ट्रांसफार्मर को हम सर्किट से अलग कर देंगे तो इस प्रकार से ये मोटर काम करती है और मोटर के कनेक्शन इसमें जरूरी नहीं है स्टार हो डेल्टा हो इसमें डेल्टा भी हो सकते हैं और स्टार करेंगे तो हम इसको ऐसे यहां से मिला देंगे और डेल्टा करेंगे तो क्या होगा आपको सीधा मालूम है ये सेम सेम मैंने लिखा हुआ है सेम यही कोइल है ये डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगी कनेक्शन हो जाएगा तो इस मोटर को डेल्टा में भी चला सकते हैं ऑटो तो ट्रांसफॉर्मर में और उसमें भी चला सकते हैं और ये जो स्टार्टर है सेम सेम डेल्टा स्टार ही है बस इसमें क्या है कि ज्यादा टॉर्क ज्यादा लोड के साथ कोई मोटर स्टार्ट करना होता है तब हम ऑटो ट्रांसफार्मर ही यूज करते हैं तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा ओके अल्लाह हाफिज़ बाबाई वालेकुम। मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफिज़